हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान फ्लाइट को लेकर अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है और ना ही को वैक्सीन को लेकर अभी तक कोई अपडेट आई है। लेकिन दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ जो शायद आपके बहुत काम आ सकती है। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब से ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं और डायरेक्ट सऊदी अरब जा रहे हैं या जाना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, अभी क्या कुछ हुआ है 14 नवंबर को, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक मेरे जानने वाले थे जिनका टिकट था 14 नवंबर को मुंबई से जद्दा के लिए, सुबह 7:35 की फ्लाइट थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी एयर इंडिया की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। उनका तवक्कलना भी ओपन था, तवक्कलना इम्यून था, सेहती भी ओपन था, फाइजर की वैक्सीन लगी हुई थी, सऊदी अरबिया में दोनों डोज लगी हुई थी, उसका सर्टिफिकेट था, अराइवल का रजिस्ट्रेशन था मुकीम का, इसके अलावा पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट थी, सारे पेपर उनके पास कंप्लीट थे, लेकिन एयरपोर्ट से उनको जाने नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के काउंटर पर उनके अधिकारियों ने, एयर इंडिया के अधिकारियों ने उन्हें जाने नहीं दिया और उनसे कहा कि आप ओवर स्टे कर चुके हैं इंडिया में, यानी इंडिया में आप ज़्यादा समय तक रुक गए हैं, इसलिए आप नहीं जा सकते। जबकि उनका जो रिटर्न बिफोर था, यानी एग्जिट री एंट्री थी, वो 30 नवंबर तक था, इकामा भी वैलिड था, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो इसलिए दोस्तों, जो भी लोग वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब से लगवा कर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं, वो कोशिश करें कि मुंबई से एयर इंडिया का टिकट ना लें, नहीं तो ऐसी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। 3 या 4 लोगों के साथ इस तरीके से दिक्कतें पेश आई हैं, 2 घंटे परेशान किया गया लोगों को, और जब आधे घंटे बचा फ्लाइट में तब बोर्डिंग भी दे दी गई। कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, बोर्डिंग भी दे दी गई, ये बोर्डिंग भी आप देख सकते हैं, बोर्डिंग दी गई और जब लास्ट मोमेंट पर पहुंचे वहां पर, तो वहां से फिर वापस कर दिया गया कि आप ओवर स्टे हैं, आप नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, दिन के उजाले में एयर इंडिया खुले आम डकैती कर रहा है। ये मुंबई एयरपोर्ट की घटना है, 14 नवंबर की घटना है जो घटी है। मुंबई से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ली थी लेकिन फ्लाइट करने नहीं दी गई, बोर्डिंग भी दी गई, सब कुछ दिया गया लेकिन फिर भी फ्लाइट करने नहीं दी गई और बताया गया कि आप ओवर स्टे कर चुके हैं। उनके टिकट पर लिख दिया गया कि आप ओवर स्टे, इंडिया में ज़्यादा समय तक रुक गए हैं। इसलिए दोस्तों, आप मुंबई एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट लेने से बचें। अगर आप सऊदी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर इंडिया में छुट्टी पर आए हुए हैं तो आप कोशिश करें दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट ले, या फिर कोशिश करें कि आप किसी दूसरी एयरलाइंस का टिकट ले ले, चाहे फ्लाई दुबई का या एयर अरबिया का या फ्लाई इमिरेट्स का। कम से कम यही तो होगा कि आप 2 घंटे या 3 घंटे दुबई में वेट करेंगे, उसके बाद आप सऊदी अरब के लिए जाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं होगा। इस तरह की घटना के बाद दोस्तों, मैं खुद हैरान और परेशान हूं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, सारे पेपर कंप्लीट हों, उसके बाद भी एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया हो। इसके संबंध में दोस्तों, जब मैंने कुछ एजेंटों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से हो सकता है कि शायद उस दिन जो फ्लाइट थी उसमें जरूरत से ज्यादा एयर इंडिया ने सीटें बुक कर ली हों और कुछ लोगों को जानबूझकर वापस कर दिया गया हो। जो लोग सीधे साधे दिख रहे हो देखने में, जो लोग बात ना कर पा रहे हो कायदे से, उनको इस तरीके से बताया गया हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी है और आप नहीं जा सकते और इसलिए उनको वापस कर दिया गया हो, तो ये हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की घटना अगर आपके सामने आए तो एयरपोर्ट पर आप डरे कतई ना, मजबूती के साथ में अपने बात को रखें। अगर कोई अधिकारी आपको मना कर रहा है, बता रहा है डॉक्यूमेंट्स में कमी है, ये है वो है, तो आप उससे कहें कि मुझे आप दूसरे अधिकारी से बात कराइए, आप अपने सीनियर अधिकारी से बात कराइए, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप बिना वजह मुझे रोक रहे हैं। वहां डरना आपको नहीं है, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है एयरपोर्ट पर।